हाय फ्रेंड्स, चक्रवर्ती बचपन से सौमेन चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरा जो विषय है वो कबूतर के लिए, और कबूतर को जब नहाने का पानी क्यों देना चाहिए और नहाने का पानी देने से कबूतर को क्या ठीक होता है। क्योंकि कबूतर जो शौकीन कबूतर घर में पालते हैं, घर में रखते हैं, वो लोग केज में ही उसको रखते हैं, वो बर्ड की तरह केज में ही पालते हैं, केज में ही रखते हैं। तो केज में बहुत सारा आदमी के कबूतर रखते हैं, बाहर में भी मैं देखा हूँ कबूतर को केज में ही वो लोग पालते हैं, केज में ही वो अच्छा ब्रीडिंग भी करते हैं, वो लोगों को कहना है। लेकिन अगर कबूतर को ठीक रखना है और कबूतर को स्वस्थ रखना है तो फ्रेंड्स, कबूतर को आप खुलेआम जब छोड़ेंगे उसको नहाने का पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और कबूतर का बॉडी में जो फेदर रस्ट होता है, और बर्ड से भी बहुत ज़्यादा फेदर रस्ट कबूतर की बॉडी में होता है, और कबूतर की और फ्रेंड्स ये फेदर रस्ट आपका जो कबूतर है कभी भी बीमार पड़ सकता है। और क्योंकि इसका जो फेदर रस्ट होता है, फेदर रस्ट में जो ह्यूमन लोग जो कबूतर घर में रखते हैं, कबूतर पालते हैं, वो भी अगर कबूतर के सामने जाएंगे तो उसका एस्मा का भी बीमार हो, एस्मा भी हो सकता है। तो इसलिए कबूतर को हफ्ते में दो बार नहाने का पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि नहाने का पानी आप हफ्ते में दो से तीन बार और आप हफ्ते में चार दिन भी उसको नहाने का पानी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा उसको नहाने का पानी देंगे, और कबूतर बहुत साफ़ सुथरा रहने को पसंद करता है, और जितना उसको नहाने का पानी देंगे उसका फेदर रस्ट उतना ही कम होंगे। क्योंकि आपका कबूतर भी बीमार नहीं पड़ेंगे और कबूतर से आपका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो लॉट में जाते हैं तो जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ नज़ारा। आज ये देखिए फ्रेंड्स, सब कबूतर एक साथ बहुत एंजॉय करके नहा रहे हैं, और ये लोगों का आज थोड़ा नहाने का पानी दे दिया। देखिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत एंजॉय करके ये लोग नहा रहे हैं। नज़ारा बहुत सुंदर है। सभी कबूतर बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छा नज़ारा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रहा है, और बहुत अच्छा एंजॉय करके कबूतर नहा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर नज़ारा। ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए मेरा टेल मार्क आ गया, और ये येलो टेल मार्क है। ये कबूतर का क्वालिटी देखिए बहुत बेस्ट है, और इसका फेदर भी बहुत बढ़िया है। ये लोगों को बहुत दिन बाद हमने नहाने का पानी दिया हूँ, और नहाने का पानी देते ही ये लोग सभी एकदम एंजॉय करके नहा रहे हैं। सभी कबूतर एक साथ नहा रहे हैं, और एक कबूतर बहुत अच्छा नहाते हैं क्योंकि ये शांति का भी प्रतीक होता है। और ये जब भी इसको आप बड़ा सा टे में पानी दो तो ये बहुत अच्छी तरह से नहा लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा साफ़ सुथरा रहना बहुत पसंद करते हैं। सभी कबूतर का नेचर यही है, और इसलिए कबूतर आपको मेंटली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है, और तनाही के समय में ये लोग बहुत आपको सपोर्ट देते हैं। तो इसलिए मेरा मन भी बहुत ख़राब हो गया था जब एक कबूतर बीमार पड़ गया था। बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, नज़ारा बहुत अच्छा है, और वो ब्लैक का भी फीमेल आ गया। देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा। बहुत दिन के बाद ये लोगों को नहाने का पानी मिला है, और
ठंडे ठंडे पानी से ये लोग नहा रहे हैं। आज बहुत अच्छा धूप भी है बाहर, सोचा आज इसको नहाने का पानी दे दिया जाए। बहुत दिन से मैंने नहाने का पानी ये लोगों को दिया नहीं, और वो देखिए बहुत ब्यूटीफुल एकदम पानी के अंदर चला गया और अपने आप सब के साथ झगड़ा भी कर रहा है ये लोग, कौन आगे नहाएगा। देखिए ये लोग बहुत बदमाश भी है, अपने दोस्तों के साथ ही ये लोग झगड़ते हैं। देखिए बहुत इच्छा है, एक साथ सब झगड़ के नहा रहे हैं, और टेलमार्क को भी, ब्लैक जो टेलमार्क है उसको भी पानी के अंदर चला गया। वो देखिए बहुत अच्छी तरह से नहा रहे हैं, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रहा है कबूतर, और पानी के अंदर ये लोग बैठा हुआ है सब। गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर पे, और बहुत एंजॉय करके ये लोग नहा रहे हैं। देखिए बहुत दिन से नहाने का पानी ये लोगों को नहीं मिला। ये देखिए मेरा ब्लैक टेलमार्क, क्वालिटी देखिए बहुत अच्छा है। और इसको हफ्ते में एक बार तो नहाने का पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कबूतर के बॉडी में जो फेदर रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो फेदर रस्ट से भी ह्यूमन को भी प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा। जिस आदमी ने अस्थमा का पेशेंट है वो कबूतर का फेदर रस्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये नहाने का पानी अगर आपने उसको दे दिया, अगर उसने अच्छी तरह से नहा लिया, तो ये फेदर रस्ट भी बहुत कम होता है, और कबूतर भी बहुत अच्छा रहता है, बीमार भी कम पड़ता है। देखिए ये सभी कबूतर एकदम हेल्दी है, एकदम फिट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक कबूतर को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए आपको नहाने का पानी हफ्ते में दो बार तो देना ही है, और गर्मी का टाइम पे तो आपको देना ही है। ठंड का मौसम में भी इसको, जब धूप ज़्यादा निकले तो तभी आप इसको पानी दीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम में इसको ठंड भी लग सकता है। तो फिर भी ये पानी से बहुत अच्छी तरह से नहा लेता है। देखिए फ्रेंड्स नहा के कैसे ये लोग अपने फेदर को सुखाने के लिए धूप में बैठ गया। वो काला जो मेरा फैंटेल है, ब्लैक जो फैंटेल, और वो देखिए टेलमार्क का फेदर देखिए बहुत बढ़िया। इसका मेल मेरे पास नहीं है, शायद एक मेल मिल जाए तो जल्दी हम इसको भी ब्रीडिंग कर पाएंगे। और वो योलो टेलमार्क भी फीमेल है, इसका भी मेल नहीं है मेरे पास। नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, आज ये लोग बहुत खुश है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कबूतर का, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल के साथ बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, कल जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ आपका मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय।